धन्यवाद सर. वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल. हिंदी में बोलूंगी मैं, बिल्कुल हिंदी में बोलूंगी. मुझे आज आपके सामने यहाँ सम्मानित करने के लिए मैं सबसे पहले साहिब अली सर जो कि उर्दू डिपार्टमेंट के हेड हैं उनके मैं बहुत ही आभारी हूँ. और इस तरह का एक कोई प्रोग्राम जो कि उर्दू डिपार्टमेंट और देश प्रेमी फाउंडेशन ने कोलैबोरेट करके इस तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट पे एक संयोजक प्रोग्राम आयोजित करना ये बहुत बड़ी बात है. और मुझे आपके सामने कुछ शब्द बोलने के लिए खड़े करना ये भी बहुत बड़ी बात है. बिकॉज जनरली इतने बड़े दिग्गज लोग जो मंच पे बैठे हैं उन्होंने अपनी अपनी तरह से अपने विचार को आपके सामने पेश किया है. और हर किसी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का जो एक संकल्प जो होता है जो कॉन्सेप्ट होती है और उसमें जो नेशनल लीडर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन था और जिसके तहत आज हम सब इस तरह से यहाँ पे सम्मानित हो रहे हैं या सम्मेलित हो रहे हैं इन चीज़ों पे जो विचार मंच यहाँ पे सादर हुआ है उसके लिए मैं साहिब अली सर की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ. और अपने कुछ शब्द में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी क्योंकि जब मैं इस पिक्चर को गौर से देख रही थी वहां से बैठ के तो अगर हम अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो गौर से अगर देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कोई शिक्षा के माध्यम से ऊंचा बना हुआ व्यक्ति हो या कोई बच्चा हो ज्यादा से ज्यादा महात्मा गांधी जी मौलाना आजाद और अम्बेडकर जी इनको वो ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ से समझ के बताने की कोशिश करेंगे या पहचानने की कोशिश करेंगे. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि यहाँ पे इस पिक्चर में दर्शित हुए हैं उनके बारे में अगर हमको कोई जानने की कोशिश हो तो शायद ही हमको कोई बुक से पढ़ना पड़े या फिर उनके विचारों को समझने की कोशिश करनी पड़े. जो कि हमारे एक विचारवंत ने उनके बारे में मौलाना जो कि दो चित्र यहाँ पे हैं उनकी महिमा के बारे में हमको कुछ बातें बताई है जो कि आज भी मुझे तक आज पता चला है. इसका मतलब यही होता है कि इतिहास के कुछ पन्नों को हम पीछे से फिर से दोहराएं तो कुछ चीजों को जानने की कोशिश आज के शिक्षा माध्यम से होने बहुत जरूरी है. और ये एक पर्टिकुलर मंच है एक माध्यम है जहां से कि उर्दू डिपार्टमेंट इस तरह की कोई कोशिश कर रही है उस कोशिश को मैं सलाम करती हूँ सर. और क्विट इंडिया मूवमेंट ये केवल एक इतिहास का एक चैप्टर है कि छूट चुका है और इतिहास के बच्चे ही इसको जानने की कोशिश करते या समझने की कोशिश करते हैं. लेकिन मेरा ये कहना है कि जो कि हम भारत देश के व्यक्ति है या रहवासी है तो हमको इन चीजों को जानना सोचना इसीलिए भी जरूरी होता है क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट में ना केवल इन व्यक्तियों का कोई योगदान रहा है बल्कि आज की परिस्थितियों में जो चीजें आज हो रही है जहाँ पे हम इतनी सारी बातें करते हैं कि सिख हो मुसलमान हो बुद्धिस्ट हो हम सबको एकजुट से रहना चाहिए. लेकिन जो प्रक्रिया आज इस देश में हो रही है जिस प्रकार का माहौल इस देश में पैदा हो रहा है इससे तो यही समझ में आता है कि हमारे बीच में धर्म का बंटवारा होते जा रहा है हमारे बीच में विचारों का बंटवारा हो रहा है. और इस विचारों की धारा में कहीं तो ये नौजवान जो होते हैं ये नए नए बच्चे जो होते हैं जिनमें सोच की जो परिपक्वता है वो जो कम रहती है उनके विचारों को बहुत अच्छी तरह से गहन करके या उसका खंडन करके उनको गलत दिशाओं में लेने का काफी हद तक प्रयास होते जा रहा है. और उस प्रयास को हमको कहीं तो रोकने की वजह यह होती है कि इस प्रकार का मंच होना चाहिए. और दूसरा जो होता है कि फील्ड में जब हम काम करते हैं जब हम रोड पे काम करते हैं किसी मूवमेंट का काम करते हैं तो उस मूवमेंट में धर्म के नाम पे कोई काम करना ये गलत होती है ये गलत बात होती है. ये सोच को हमें आज अपने बच्चों तक ले जाना बहुत जरूरी है. मैं एक संवेदनशील जो चीज एक विचारवंत ने यहाँ पे पेश किया एक स्पीकर ने यहाँ पे पेश किया कि कई जगहों पे कई मोहल्ले पे बच्चे नाहक उनका जो लाइफ है वो बर्बाद हो जा रहा है बच्चे गलत दिशाओं में जा रहे हैं. और उन गलत दिशाओं में जाने के लिए किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति का हाथ नहीं होता है बल्कि उस एंटायर कॉम का हाथ होता है. और उस आम आदमी को समझने के लिए जब हम कॉम का सहारा लेते हैं तो उस कॉम को बंटवारा करते जाते हैं हम धन के नाम पे उसे बंटवारा करते हैं. जैसे कि हमने कभी कई बार सुना है कि भारत देश में हिंदू मुस्लिम ये दो विभिन्न अंग बताए जाते हैं और उस विभिन्न अंग में धन के नाम पे उनके बीच में एक संवेदनशीलता उत्पन्न की जाती है धन के नाम पे लड़ाइयां हो जाती है. 92 का आप लीजिए जो फेस था जहां पे हमने सब देखा है कि क्या हुआ था
मुंबई जैसे शहर में या इंटायर मुल्क में जो हुआ था वो बात आज भी हमें याद है। आज भी जब हम राजकारणियों लोगों के सरकार के माध्यम से कुछ सोच को लेके बैठते हैं तो हमको कुछ चीज़ों का एक सेंसिटाइजेशन लाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और मेरे ख्याल से तो जो आधुनिक सोच होती है या जो शिक्षा की प्रणाली होती है उस प्रणाली से ही हम बच्चों तक ये विचार ले जा सकते हैं। और इस विचारों को समझने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपसे कुछ चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि कई विचारवंतों ने ऐसे लिखा है, अरुण शौरी जी ने कहीं पे एक बुक में लिखा था कि भारत देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कोई योगदान नहीं है फ्रीडम फाइट में, क्योंकि उनको उनकी प्रतिमा को कहीं पे जाके एक दलित प्रतिमा बना के रख के छोड़ दिया गया था। और उस कॉन्ट्रीब्यूशन को कहीं तो गलत तरीके से पेश करने की कोशिश हमेशा से ही इस देश में होती आ रही है। और उस सोच को कहीं से तोड़ने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों ने इतिहास को अच्छी तरह से समझ के उसका आकलन करके उसकी चिकित्सा करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं आज आपको बता रही हूँ कि कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा है और कौन किस व्यक्ति का इस देश के फ्रीडम फाइट में या फ्रीडम मूवमेंट में योगदान नहीं रहा है। या आपको किसी व्यक्ति से समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बल्कि इतिहास को समझ के उसका अच्छी तरह से एनालिसिस करना जरूरी होता है। और इस एनालिसिस से ही कहीं तो जाके हम धर्म की जो बेड़ी होती है उसको तोड़ने की कोशिश कर सकती है। इसलिए साथियों मैं आपसे यही कहने की गुजारिश करूंगी कि क्विट इंडिया मूवमेंट जैसी चीज को केवल इतिहास तक आप मर्यादित मत रखिए, उसको वहीं तक आप प्रेरित मत कीजिए या उसको प्रायोरिटी तक मत रखिए कि ताकि आप उसको खाली शिक्षा या फिर कुछ स्कूल के बच्चों के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट क्या रहा है, उसमें किन लोगों का क्या योगदान रहा है, इस प्रकार की चीजों को उस प्रकार तक ही सहमत मत रखिए, बल्कि उसको और सोच का दायरा देके थोड़े से सकल रूप से उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने थोड़ा प्रयास किया आपके सामने काफी स्पॉन्टेनियसली कुछ बातें रखने की, आप डेफिनेटली उसको अच्छी तरह से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस कुछ विचारों को जो कोशिश मैंने आज की है उस विचारों को मैं खुद सहमत हूँ कि इन विचारों से ही आगे की पीढ़ी को हम ज्यादा सक्षम बना सकते हैं। आगे की पीढ़ी को भारत देश के लिए जो कि यूथ पीढ़ी हम माने जा रहे हैं, पूरे विश्व में भारत देश एक ऐसा देश है जहां पे अगर हम धर्म को बाजू में रखें तो काफी भारतीय जो स्पेस होता है वो स्पेस हम विश्व में निर्माण कर सकते हैं। और उस स्पेस को निर्माण करने के लिए मुझे नहीं लगता कि आज आपको मुसलमान कहने की जरूरत है या मुझे हिंदू या बाबा साहब कहने की जरूरत है, बल्कि हम भारतीय हैं, यही सोच को लेके हमको आगे बढ़ना है। और इस विचारों को मैं पूरी तरह से सहमत करती हूँ और ये सारे मंच पे बैठे हुए विचारवंत भी सहमत रहेंगे, तो उसके लिए मैं साहेब अली सर से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इन शब्दों को आपके सामने पेश करने के लिए अलाउ किया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर संगीता पवार। संगीता पवार साहिबा ने जो एक बहुत अहम बात कही अपनी तकरीर में वो ये थी कि हमको तारीख को या हिस्ट्री को हिस्सों में या पार्ट में बांट के नहीं पढ़ना चाहिए, उसको उसकी टोटलिटी में देखना चाहिए। ये बहुत अहम नुक्ता है और आज के जो हमारे हालात हैं मेरे ख्याल से उसकी जो बहुत सारी वजूहात है उसमें एक बड़ी वजह ये भी है कि हम हिस्ट्री को तारीख को अलग अलग खानों में बांट के देखते हैं।